हाँ तो यार, क्या हालचाल है आपके। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको देखकर ही ना विक्की डोनर बनाई गई, क्योंकि उसके कारनामे ही कुछ ऐसे थे। और वो कोई 25-26 साल का ना गबरू जवान नहीं है, वो एक 80 साल का बुढ़ा है। बुढ़ा भी तो क्या बोल रहा है। हाँ, और उस बुढ़े का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अरे नहीं, ये वाला डोनाल्ड नहीं, ये वाला डोनाल्ड। और इसका पूरा नाम है डोनाल्ड क्लाइन। और इसके 6 नहीं 7 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, पूरे के पूरे 94 बच्चे थे। सेंचुरी में 6 ही कम रह गए अंकल के। बात तो सही है। तो चलो यार, जानते हैं इस तेजस्वी बुढ़े के बारे में, वो भी बिना किसी रुकावट के। तो ये जो डोनाल्ड क्लाइन है ना, वो 1970 से 80 तक के दशक के जितने भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनमें से एक था। तो अगर सीधा बोलूं तो IVF तो आपने सुना ही होगा ना। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया में IVF जो है ना, वो 6 अगस्त 1986 में आया था। तो डोनाल्ड क्लाइन को कमाने थे पैसे जैसे ना तैसे, तो उसने लगाया दिमाग और बनाया एक प्लान कि क्यों ही लूं मैं स्पर्म बाहर से जब घर में ही पड़ा है बैंक, स्पर्म यार। तो उसने अपने पेशेंट्स को बिना बताए उनके एक्स के साथ अपना स्पर्म मिलाना कर दिया स्टार्ट। मगर क्यों दादा, why दादा, why? This is business. This is my sweat. और इसने ऐसा करके 70 से 80 के दशक तक ना 50 बच्चे कर लिए थे। हाफ सेंचुरी मार दी बुड्ढे ने तो। लेकिन इसको क्या ही पता था कि इन 50 बच्चों में से कुछ बच्चे ना इसका ये धोखा सबके सामने लेके आ जाएंगे और इसके ना एल लगा देंगे। और कुछ सालों बाद जैकोबा बेलाइट नाम की एक लड़की ने इसका खुलासा कर दिया, क्योंकि जैकोबा बेलाइट ना एक्चुअली में इसी की उन 50 बच्चों में से एक बच्ची थी, मतलब बेटी थी। क्योंकि जैकोबा की माँ जो थी ना, वो इसी के पास आई थी अपनी फर्टिलिटी का चेकअप करवाने। समझ रहे हो आप? लेकिन जो लड़ाई थी वो आसान नहीं थी। जैकोबा को इसका सच सामने लाने के लिए बहुत साल लगे थे, बट फिर भी जैकोबा ने इसका सच सबके सामने ला ही दिया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अजीब चीज इंडियाना का लॉ लगा, क्योंकि ना उनके लॉ के अनुसार जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, वो चाहे तो अपना स्पर्म यूज कर सकते, अगर वो चाहे तो नहीं कर सकते, और उन्हें इस चीज के लिए कोई सजा नहीं हो सकती। तो डोनाल्ड को बस सजा इस चीज की मिली कि उसने कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन में 2 बार अपना हस्तक्षेप किया, मतलब कि बाधा डाली इस वजह से, और किसी चीज की उसको सजा नहीं मिली। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ, जैकोबा को न्याय मिला, बट एक तरह से नहीं भी बोल सकते, क्योंकि डोनाल्ड को तो सजा उस चीज की हुई ही नहीं ना इस वजह से। और तो और नेटफ्लिक्स पर ना इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रखी है, और डोनाल्ड क्लाइन की जो डॉक्यूमेंट्री है वो नेटफ्लिक्स पे आपको मिलेगी, हमारे पिताजी करके, अवर फादर करके आपको यानी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। बस यार, आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसे बंदों के बारे में जानने और ऐसी वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ना जरा इसके लिए 2 शब्द भी बोल देना। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए ना प्लान बनाना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।